यह है नमन उनको जो इस देह को अमृत्व देकर इस धरा पर शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। यह है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर सो गए पर आसमानी हो गए हैं, आसमानी हो गए हैं। आज़ादी की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर शहीदों में कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम कैसे भुलाया जा सकता है, जिन्होंने अपने शब्दों से, अपनी वीरता से और अपने सर्वोच्च बलिदान से पूरे देश को गौरवान्वित किया था। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को देवभूमि हिमाचल प्रदेश के एक गाँव पालमपुर में हुआ। इनके पिता श्री गिरधारी लाल बत्रा एक सरकारी विद्यालय में प्रधानाचार्य थे। 1994 में स्वतंत्रता दिवस की परेड में इन्होंने भाग लिया। इस परेड से वे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने घर आकर माँ से कहा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मुझे तो जीवन में कुछ बड़ा, कुछ महान करना है जिससे मेरा देश महान बने। 1996 में विक्रम बत्रा ने देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी ज्वाइन कर ली। कारगिल युद्ध में जाने से पहले उनके एक मित्र ने कहा था कि वो अपना ध्यान रखें और सतर्क रहें। इस पर विक्रम ने कहा था कि चिंता ना करो, मैं तिरंगा फहरा कर लौटूंगा या तिरंगे में लिपट कर लौटूंगा, लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगा। उनके ये शब्द आज भी लोग याद करते हैं। उनकी पहली लड़ाई कारगिल की चोटी 5140 को पाकिस्तान के कब्जे से खाली कराने की थी। अपनी सदी हुई रणनीति और वीरता से विक्रम और उनकी यूनिट ने वह लड़ाई जीत ली और वहाँ तिरंगा फहरा दिया। इस चोटी को बाद में टाइगर पॉइंट नाम दिया गया। इस जीत ने भारतीय सेना में जोश भर दिया था। उस समय उन्होंने कहा था, ये दिल मांगे मोर, जो कारगिल युद्ध का नारा बन गया था। उसके बाद चोटी पॉइंट 4875 को खाली कराने की तैयारी शुरू हुई, जो कि 17,000 फीट ऊंची और तीखी ढलान वाली चोटी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा शेरशाह के नाम से जाने जाते थे। चोटी पर बैठे पाकिस्तानी सेना के कमांडर ने यह कहा था कि शेरशाह ऊपर मत आना, वापस नहीं जाओगे। इस पर उन्होंने कहा था कि एक घंटे में पता चल जाएगा कौन जाएगा और कैसे जाएगा। इसी भयानक लड़ाई में 7 जुलाई 1999 को पाकिस्तान के 5 जवानों को मार गिराते हुए और चोटी पर कब्जा करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा ने देश के लिए बलिदान दिया, जिसके लिए उन्हें 15 अगस्त 1999 को वीरता का सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। विक्रम बत्रा जैसे शहीदों का बलिदान व्यर्थ न जाए, इसके लिए देश के सभी युवाओं को हर पल हर क्षण देश की सुरक्षा के लिए प्रस्तुत रहना होगा। शहीदों के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जय हिंद, जय भारत।